राजद ने पंचायत चुनाव को लेकर केंद्र मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की सुविधा नहीं देने की घोषणा को लेकर राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। राजद के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी केंद्र मंत्रियों के दौरे के बहाने पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। और आपको बता दें कि जो रंजन जी जिस तरह से इन्होंने जो कार्यक्रम में जो चालू करने का सोचे हैं बंद पर एक केंद्रीय परियोजना को लेकर, मैंने केंद्रीय मंत्रियों का सुरक्षा तो देखिए केंद्र में बैठी हुई सरकार हमेशा उसके दिमाग में मतलब कुरफाती दिमाग चलते रहता है, चाहे जिस तरह का चुनाव हो। अगर यहाँ पे दलीय बेस चुनाव होता झारखंड में तो हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी आते और प्रचार करते यहाँ, लेकिन दलीय बेस नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं से दूसरे उपाय से दूसरे षड्यंत्र रच कर यहाँ अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं और कहीं उसके कारण वो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यहाँ पंचायत चुनाव को मतलब निष्पक्ष नहीं होने देना चाहते हैं और अपना जो उनका समर्थित उम्मीदवार है ज़्यादा से ज़्यादा जिताना चाहते हैं। इन सब के पीछे यही कारण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उसको मुस्तैदी से देखेगी, जो उनका प्रोटोकॉल है वो तो पालन होगा ही, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी दल का मंत्री है, सबका मान सम्मान इज्जत है, जान है, प्रतिष्ठा है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से आप जा रहे क्षेत्र में कि इसी बहाने पंचायत चुनाव को प्रभावित करें तो यही है। कई बार देखे होंगे आप चुनाव में कि चुनाव है जमशेदपुर में और माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है रांची में, हजारों ऐसे नमूने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए। ठीक है पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोग के समर्थक तो हैं तो निष्पक्ष रूप से चुनाव होने देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को तिल का तार नहीं बनाना चाहिए, वो ईगो में ले लेती है हर जगह और जब अपने पे आता है तो टाइम टाइम फीस हो जाती है। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।